श्रीदेवी बंगलो, जिससे प्रिया प्रकाश वॉरियर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। शुरुआती समय से ही कॉन्ट्रोवर्सी में रही है, अब एक नए विवाद में फंस चुकी है। प्रिया प्रकाश वॉरियर की फिल्म श्रीदेवी बंगलो का ऑफिशियल ट्रेलर जनवरी में लॉन्च हुआ था, जिसके सीन्स जिसमें श्रीदेवी नाम की लड़की बाथटब में डूबने से मरती दिखाई दी है। बोनी कपूर ने फिल्म के टाइटल पर आपत्ति जताते हुए मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा था। काफी समय पहले ही श्रीदेवी के पति बोनी कपूर इस फिल्म के निर्माताओं को लीगल नोटिस भेज चुके हैं, जिन्हें वो सभी कई बार नजरअंदाज कर चुके हैं। लेकिन अब बोनी कपूर ने फिल्म के नाम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मेकर्स को लीगल नोटिस भेजने का मन बना लिया है, ताकि वो फिल्म के टाइटल से श्रीदेवी के नाम को इस्तेमाल ना कर सके। जबकि डायरेक्टर प्रशांत मामबूली ने कहा था, हमें बोनी कपूर से लीगल नोटिस मिला है और हम इसका सामना करेंगे। मेरी फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है। मैंने बोनी को बताया था कि श्रीदेवी एक कॉमन नाम है। मेरी फिल्म में लीड किरदार भी एक अभिनेत्री है। लेकिन अब बोनी कपूर ने एक और नोटिस भेजने की तैयारी की है। बोनी कपूर इस फिल्म से जुड़े हर इंसान से नाराज है। वही बात की जाए फिल्म के हीरोइन की, तो पिछले महीने प्रिया ने एक मीडिया इंटरव्यू में पूरे विवाद से ये कहते हुए पल्ला झाड़ा था कि वो केवल अपना किरदार निभा रही है। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन प्रशांत मामबूली ने किया था और फिल्म में प्रिया के साथ फिल्मी जगत के सुल्तान सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान की अहम भूमिका में है। अब देखना ये है कि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म पर क्या एक्शन लेते हैं। बॉलीवुड की कुछ और ऐसी मजेदार खबरों के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।